तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, वो यहीं से दिख जा रहा है, एक मैकेनिकल है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन मैकेनिकल ना। तो सेकंड पार्ट हो जाना ऐसे का, यहीं से ऐसे एरो बना दे, ऊपर से ले आए और ऐसे लिख दे, ठीक है। नॉन मैकेनिकल वेव ना, ठीक है, जिसको कि मीडियम की कोई खास जरूरत नहीं है, खास कम तो जरूरत ही ना हो, विच डो नॉट रिक्वायर्ड मीडियम फॉर ठीक है। इसके लिए एग्जांपल्स क्या, सारे ईएम वेव्स, ठीक है, कॉस्मिक वेव, गामा, एक्सरे, लाइट वेव, विजिबल, जितने भी अल्ट्रा वायलेट, रेडियो, माइक्रो, ठीक है, सारे वेव्स जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे तुम्हारा, नॉन मैकेनिकल वेव, क्लियर ना। मैकेनिकल मतलब मीडियम चाहिए, नॉन मैकेनिकल मतलब मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा सेकंड, ये तो ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी ऑफ मीडियम था, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल की बात करें, सो जैसे कि डिस्टर्बेंस ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टर्बेंस ना, क्लियर है। जैसे मतलब मैकेनिकल के लिए पार्ट दे करें, क्योंकि डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल की बात करें, ठीक है, किस टाइप का डिस्टर्बेंस, तो बेसिकली इसमें दो तरह है, इसमें भी, ठीक है। मतलब हम लोग किसकी बात करें, डिस्टर्बेंस की बात करें, कि कैसा डिस्टर्बेंस चाहिए ना। तो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम यानी बेसिकली ये मैकेनिकल वेव के ही पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसके भी दो तरीके हो सकते हैं डिस्टर्बेंस का, डिस्टर्बेंस अपने पोजिशन से डिस्टर्ब होना, ठीक है। तो एक क्या हो सकता है कि परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर मतलब जिधर वेव प्रोपागेट कर रहा है उसके परपेंडिकुलर, तो उसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। और एक जिधर प्रोपागेशन हो रहा है उसी के लॉन्ग, टू एंड फोर, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हो, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो ट्रांसवर्स होता है जैसे जैसे प्रोपागेशन हो रहा है उसके परपेंडिकुलर, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। एक ऊपर जाएगा फिर दूसरा वाला उसके बगल वाला ऊपर जाएगा फिर वो नीचे आएगा, तो आगे जाएगा, मगर डिस्टर्बेंस कैसे, परपेंडिकुलर टू द प्रोपागेशन। तो ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, उसमें कैसा बनता है पाथ, क्रस्ट एंड ट्रफ, ठीक है। और एक होता है प्रोपागेशन के लॉन्ग, तो वो कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। उसमें कैसा बनता है तुम्हारा, कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन, ठीक है। तो इसमें दो टाइप का हो गया तुम्हारा, ट्रांसवर्स, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव, डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है। क्लियर है, इसमें क्या बनता है तुम्हारा, क्रेस्ट एंड ट्रफ ना। जैसे वेव ऐसे प्रोपगेट हो रहा है तो पार्टिकल ऐसे 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 डिस्टर्ब हो रहे, तो इसको कहते हैं क्रस्ट ना, उसको क्या कहते हैं, वो ट्रफ ना, क्रस्ट एंड ट्रफ बनता है, ठीक है। ऐसे हो रहा है पार्टिकल प्रोपगेट करो और ऐसे ऐसे पार्टिकल वाइब्रेट्स हो रहे हैं, ऐसे ऐसे वर्टिकल ना, इस टाइप से ऐसे 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 वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और सेकंड वाला केस क्या हो सकता है तुम्हारा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, जिसमें कि प्रोपगेशन के लॉन्ग ही डिस्टर्बेंस होता है ना, ठीक है। सेकंड है हम लोग के पास
check a disturbance of particle along the long direction of propagation of wave. इसमें क्या बनता है जैसे कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन ना ऐसे 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 कंप्रेशन फिर रेयर फ्रैक्शन फिर क्या बनेगा तुम्हारा फिर ऐसे 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 वन चलता जाएगा ना ठीक है तो इसमें क्या बनेगा कंप्रेशन है ये क्या बनता है तुम्हारा ठीक है जैसे ये मैकेनिकल वेव के लिए नॉन मैकेनिकल वेव जितने भी ये वेव्स हैं वो सब हमेशा ट्रांसवर्स ही रहते हैं ठीक है वो हमेशा ही क्या रहेंगे तुम्हारा ठीक उनके लिए जैसे ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं तो यहाँ से एग्जांपल लिख सकते हो ट्रांसवर्स वेव का जैसे अगर हम लोग ऐसे बात करें इरिस्पेक्टिव ऑफ मतलब नेचर ऑफ मीडियम तो उसमें हम लोग कह सकते हैं तुम्हारा कि ई एम वेव रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम के रिस्पेक्ट अगर हम लोग बात करें तो ई एम वेव सारे क्या होंगे तुम्हारे ट्रांसवर्स अगर हम लोग मैकेनिकल क्योंकि हम बताएं कि मैकेनिकल का पार्ट है ये ठीक है क्योंकि मैकेनिकली दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है मतलब ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल ठीक है नॉन मैकेनिकल वेव हमेशा क्या रहेगा ट्रांसवर्स ठीक है तो इस केस में अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग मैकेनिकल वेव की बात करें मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव की बात करें ठीक है तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव जो होता है वो केवल ठीक या तो सॉलिड में मिलेगा या तो लिक्विड सरफेस के मिलेगा लिक्विड के अंदर और गैस के अंदर नहीं मिलेगा ठीक है ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव केवल सॉलिड में एग्जिस्ट कर सकता है ठीक है सर बात को और या तो लिक्विड सरफेस जैसे सॉलिड में कैसे ध्यान दो मैकेनिकल जैसे कि अगर मान लीजिए कोई रॉड है आयरन रॉड ठीक है एकदम क्लैम्प्ड है कहीं और इस पर तुम हथौड़ा ऐसे मार दो ऊपर से ऐसे परपेंडिकुलर टू द रॉड हल्का सा ना एकदम क्लैम्प्ड है तो इसमें वाइब्रेशन आ जाएगा तो कैसा वाइब्रेशन होगा तुम्हारा ट्रांसवर्स अगर परपेंडिकुलर मारो और वही उसी रॉड में ऐसे मार दो हथौड़ा हैमर चला दो तो उस केस में भी वाइब्रेशन होगा पर वो लॉन्गिट्यूड क्लियर है समझ रहे हो बात को तो ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव जो है वो केवल सॉलिड या लिक्विड सरफेस पर लिक्विड सरफेस पर कैसे रिपल्स ठीक है रिपल्स एक तरह से दोनों का कॉम्बिनेशन है ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल ठीक है पर जो भी ट्रांसवर्स अगर हमको मिल रहा है तो सॉलिड मिलेगा या लिक्विड सरफेस पर लिक्विड के अंदर या गैस के अंदर हमको ट्रांसवर्स वेव नहीं मिलेगा अगर मीडियम गैसेस है या लिक्विड है टोटली तो उसमें हम लोग को ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव नहीं मिलेगा कौन सा मिलेगा लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल हर जगह मिलेगा चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो ठीक है तो यह ध्यान दीजिए ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव की बात करें अगर हम लोग एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड एनोड एंड ऑन लिक्विड सरफेस ठीक है फाउंड ओनली इन फाउंड कह लो लिक्विड सॉलिड में और लिक्विड सरफेस पे ही पाया जाता है ठीक है जैसे इसका हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं जैसे वही कोई ऐसे क्लैम्प्ड कोई रॉड हो ठीक है मेटलिक रॉड इधर भी क्लैम्प्ड हो ठीक और आप हथौड़ा चला दो ऐसे परपेंडिकुलर टू इट ना ऐसे कोई ऐसे कोई हाँ थोड़ा इसको चला दो धाएँ से ठीक है तो इसका ऐसे 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 वेव बनेगा
परपेंडिकुलर टू इट चलाओ, ठीक है। कोई आयरन रॉड हो या कुछ भी हो ऐसा इस टाइप का, तो सॉलिड्स में मिल सकता है वो, ठीक। यही हो थोड़ा, अगर तुम ऐसे चला दो यही हो थोड़ा, अगर हम लोग ऐसे साइडवेज चला दें अलोंग, ठीक है, यही हो थोड़ा ऐसे चला दें तो कौन सा बनेगा तुम्हारा, कॉम्प्रेशन फिर एयर फ्रैक्शन फिर ऐसे कॉम्प्रेशन फिर इस टाइप का वेव बन जाएगा लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव फाउंड ओनली इन सॉलिड मीडियम एंड ऑन लिक्विड सर्फेस, ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव, ठीक है। ट्रांसवर्स नॉन मैकेनिकल तो हमेशा ही होता है, नॉन मैकेनिकल वेव हमेशा ही क्या रहेगा तुम्हारा, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव, ठीक है, फाउंड इन ऑल मीडियम सॉलिड लिक्विड एंड, ठीक है। तुम लोग कह सकते हो बाबू कि लॉन्गिट्यूडनल अगर बात करें मैकेनिकल वेव, सॉलिड लिक्विड और परफेक्ट है। नॉन मैकेनिकल वेव हमेशा क्या होते बाबू, ट्रांसवर्स नेचर के होते ना, ट्रांसवर्स इन नेचर, ठीक बा। थोड़ा नोट मार लो जल्दी से, इसमें इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव का, तो साउंड वेव ना, ठीक है। और इसका एग्जांपल देखें तो कोई भी सॉलिड या रिपल्स ऑन वाटर भी एक तरह का ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव है, ठीक है। तो इसके लिए ये साउंड वेव क्या है तुम्हारा, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव, कॉमन एग्जाम्पल। और इसके लिए देखो तो ये आयरन रॉड वाला हम लोग दिया ही, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा रिपल्स ऑन स्ट्रिंग वेव्स ऑन स्ट्रिंग धागे पे। अच्छा हाँ, सबसे कॉमन एग्जाम्पल अगर ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव का देख सकते हो तो धागे पे देख सकते हो, ठीक है। ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव, जैसे यहाँ से यहाँ धागा तुम किसी वॉल के बीच में बांध दो एकदम टाइटली और उसमें ऐसे ऐसे हिट कर दो तो ये कैसे ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो वेव ऑन स्ट्रिंग ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव का एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा, ठीक है, वो भी सॉलिड मीडियम है, समझ बात को, क्लियर है, नोट कर लीजिए। धागे में आप लॉन्गिट्यूडनल नहीं पाओगे ना,